दोस्तों आने वाले 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान। पठान फिल्म के अपार सफलता के बाद शाहरुख खान फिर से एक बार मैदान में हैं। जवान की एडवांस बुकिंग जिस तरह से चल रही है पूरे इंडिया के अंदर ओवरसीज के अंदर, वो वाकई में देखने लायक और काबिल तारीफ है। अभी तक मैं आपको बताती चलूँ, बॉलीवुड में सबसे हाईएस्ट एडवांस बुकिंग गदर 2 की है, जिसने 15 अगस्त के लिए लगभग 34 करोड़ की एडवांस बुकिंग ली थी। उसके बाद आता है पठान का नंबर, जिसने 33 करोड़ की एडवांस बुकिंग ली थी अपने फर्स्ट डे के लिए, लेकिन जवान सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि बुकिंग को अभी 3 दिन ही कंप्लीट हुए हैं, यानी अभी भी 3 दिन एडवांस बुकिंग और चलेगी और अपने पहले दिन एक बेहतरीन ओपनिंग लेते हुए नज़र आ रही है। हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर अभी टोटल कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, फर्स्ट डे इंडिया के अंदर कितना कलेक्शन करने वाली है, हिंदी तमिल तेलुगु में पहले दिन का वर्ल्ड में कितना कलेक्शन रहने वाला है। फिल्म के ट्रेलर में ही लोगों का दिल जीत लिया है, यही वजह है कि फिल्म के एडवांस को और ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। दिल्ली NCR के अंदर 1050 शो हो चुकी है, मुंबई में 20% से भी ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी है। बात करें हम अलग अलग सिटियों की तो बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, सूरत, हर जगह से बहुत ही शानदार रिपोर्ट आ रही है अभी तक। फिलहाल मैं बात करूंगी फिल्म की एडवांस की, हिंदी में 2D में 17 करोड़ से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली है, तमिल में लगभग 70 लाख की एडवांस बुकिंग कर ली है, वहीं अगर हिंदी करें तो लगभग 1.5 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया है, तेलुगु में लगभग 50 लाख की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। कुल मिलाकर टोटल अभी तक की एडवांस बुकिंग हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों भाषाओं में लगभग 19.5 करोड़ की आंकड़े को आसानी से पार कर चुकी है। 3 दिनों में ही पठान की एडवांस बुकिंग 18 करोड़ की हुई थी, जहां पर जवान की बुकिंग 3 दिनों का 19.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। अब हम बात कर लेते हैं पहले दिन के एडवांस टोटल कलेक्शन की, तो यह अपने पहले दिन लगभग 40 करोड़ के एडवांस को लेकर ओपन होने वाली है। और हम बात करें इसके जिस तरह की ऑडियंस की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस और रिव्यू मिल रहा है, उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अपने पहले दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 60 से 65 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली है। वहीं पर हम बात करें अगर ओवरसीज के एडवांस बुकिंग के बारे में, तो यह फिल्म अपने ओवरसीज में एडवांस की लगभग 17.5 करोड़ की एडवांस कर चुकी है। अगर हम इसके बात करें फर्स्ट डे के इंडिया और वर्ल्ड वाइड के ओपनिंग की, तो लगभग ये फिल्म अपने पहले ही दिन इंडियन और वर्ल्ड वाइड ओवरसीज को मिलाकर लगभग 150 करोड़ के आंकड़ों को आसानी से पार कर सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, यह फिल्म अपने पहले दिन टोटल कलेक्शन 150 करोड़ कर पाएगी या नहीं? क्या लगता है आपको, ये पठान के 1000 करोड़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आप भी इस फिल्म को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और इसे देखने वाले हैं।